रेंज कम आएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ से कोई कट नहीं आने वाला? नहीं 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 नहीं, यहाँ रास्ता तो फंस गया भाई, 12 किलोमीटर तो घर है मेरा यहाँ से, रेंज उतनी आई नहीं है जितनी बोलते हैं। और आज हो गई गलती बहुत बड़ी। भैया कोई कट है यहाँ से? हो गया रेंज टेस्ट हमारा तो यार। दोस्तों फाइनली अपने पास आ चुका है ईथर इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X थर्ड जनरेशन। आज इस स्कूटर का हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं, और डिफरेंट मोड में। कौन से मोड में करते हैं? आज करते हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर। कंपनी यहाँ पे बोलती है कि ईगो के अंदर 105 किलोमीटर की रेंज होने वाली है, लेकिन ये तो कंपनी बोलती है ना। आज हम खुद करने वाले हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 75 किलोमीटर आपको रेंज मिल जाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि हमें कितना मिलता है। और जो इसकी टेस्ट कंडीशन है आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। टाइम का बिना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेंज टेस्ट को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी क्या। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके सो आप देख पा रहे होंगे जो एस्टिमेटेड रेंज दिखा रहा हुआ है 72 किलोमीटर, और ट्रिप घर से यहां तक आते आते हो गई है 2.8 जो हमने जीरो करी थी, और वॉट पर किलोमीटर दिखा रहा है 41, एवरेज स्पीड दिखा रहा है 10। भाई रॉकेट की तरह भागता है स्पोर्ट्स मोड में। तो यहाँ पे जो है भाई अपना आप देख सकते हो 65 किलोमीटर शो कर रहा है। हमारी ट्रिप हो चुकी है 8 किलोमीटर की, और जो वॉट आर्क पर किलोमीटर है वो 53.4, एवरेज स्पीड 19 की आई है। अब यहाँ से अपना जो हाईवे है वो मेन चालू हो जाता है। यहाँ पे मैं तगड़ी तरीके से भगाने वाला हूँ भाई से। यहाँ पे कोई भी कंजूस नहीं, यहाँ पे कोई ब्रेक वगैरह ज्यादा नहीं लगेगी, तो यहाँ पे अब असली टेस्ट होगा भाई। तो चलो यार पर्सनली बताऊँ ना, मैंने इधर जैसे स्कूटर अभी तक नहीं चलाया। इसकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे यार ओला भी तो है। ओला यार इनिशियली स्लो लगता है मेरे को, और वो है भी, लगता नहीं है ही वो। और ये है ना, ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी तेज है। कोशिश मेरी यहाँ पे ये रही कि मैं स्पीड को फुल रखूँ, जितना मैक्स रख सकता हूँ। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है गाइस, कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे हो तो आपको खाली पीछे वाला ब्रेक नहीं मारना है। मतलब मैं रिवोल्ट में ऐसा कर सकता था कि आगे वाला बहुत हल्का सा मारा, पीछे वाला ज़्यादा मार दिया, वहाँ कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ अगर आपने ऐसा करा तो आपका जो पीछे वाला टायर है वो स्किड कर जाता है, स्लिप आ जाता है। तो आपको यहाँ पे आप कह सकते हो 50-50 लगाना पड़ता है, फ्रंट वाला भी और पीछे वाला भी। फिर आप ऐसे चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये स्कूटर एक ऐसा है जिससे आपको ना पेट नहीं भरेगा, चलाते रहो चलाते रहो। मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यू टर्न ले लूँगा और इसी हाईवे पर गोल गोल घूमता रहूँगा। जैसे ही मेरा इको मोड लगेगा मैं अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। ओके सो अब हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे हमें दिख रहा होगा तो 51.9 वॉट आर पर किलोमीटर, इस साथ 30 किलोमीटर एवरेज स्पीड आ गई है, अब ज्यादा हो चुकी है, और 20.9 किलोमीटर हम टोटल कवर कर चुके हैं। तो आपको देख गया होगा ये 51.9 वॉट आर पर किलोमीटर, तो कितनी एग्रेसिवली मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश है कि इसे भाई जितना कान ऐड सकता हूँ उसका ऐडता हूँ, जिससे हमें स्पोर्ट्स मोड की फीलिंग रहे, और जो इसकी मैक्स स्पीड है उसके आसपास ही मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं भगा सकते हम। अब हमारा 51, अब चलाते हैं इसे थोड़ा सा। ओ तो परफॉर्मेंस में हमें कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बात है। इतनी देर चला रहा हूँ मैं, गर्म भी हो गया होगा बट, लेकिन परफॉर्मेंस में हमें कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से कह सकते हो कि जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो भी इनकी टीम है, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट बनाया है इन्होंने। इतनी हाई स्पीड पर चलाने के बाद भी, हीट होने के बाद भी, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें जीरो लैग है। जो कोई स्पीड दिख रही है ना ये 90 दिख रही है, बट ये एक्चुअल में 80 है, ठीक है। और जिस हाईवे पर इस टाइम हम चल रहे हैं इसकी जो लिमिट है वो 100 km/h है। तो इसे मैं साइड में ले लेता हूँ कि बाइक वाले साइड में चले, यहाँ पे यही रूल होता है। तो मैं वापस इस रूट पे आ गया हूँ, वही हाईवे है ये। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं हापुड़ निकल जाऊँ हापुड़ वाले रोड से और कहीं जाके फंस जाऊँ। क्योंकि मैं नोटिस करा पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है ना, उसमें से हल्की सी चूं चूं की आवाज आ रही है, हल्की हल्की।
मतलब ऐसे माइक में तो सुनाई नहीं आएगी, लेकिन मुझे फील हो रही है कि हल्की हल्की चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 56 बैटरी बची है और यहाँ पे 42 किलोमीटर रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे एवरेज स्पीड बढ़ती जा रही है, 34 हो गई है और उसके बाद यहाँ पे ट्रिप 28-52 वॉट आर पर किलोमीटर। अब दोबारा से अपना हाइपरलैप चलाते हैं और अब हम मिलेंगे 30 पे मिलते हैं। ओके सो अब आप देख सकते हो 30 किलोमीटर एस्टिमेट रेंज दिखा रहा है, 39% इसकी बैटरी लेफ्ट है। स्पोर्ट्स मोड में हम चलाते हुए आ रहे हैं, 52.5 वॉट आर पर किलोमीटर, यानी कि बहुत एग्रेसिवली चला रहा हूँ मैं। एवरेज स्पीड आई है यहाँ पे 39 किलोमीटर पर आर और ट्रिप हमारी हो चुकी है 38.8 किलोमीटर ओडो 206। तो कुल मिलाकर होते यहाँ पे 40 किलोमीटर लगभग चला ली है और थोड़ी सी थकावट होने लगी है। एक्चुअल में हेलमेट ज़्यादा दिक्कत देता है, इसके ऊपर गोप्रो भी लग रहा है तो इसका वजन ना आगे की तरफ झुकता है तो नेक में पेन होने लगता है, इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया थोड़ा सा। और सीटिंग की बात करूँ तो ठीक है, ना उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ना उतनी ज़्यादा मतलब ये ऐसी है कि चुभने लगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 40 किलोमीटर बाद तो हर व्हीकल थोड़ा कमर में पेन करने लगता है। चलो यार, ये साउंड कितनी प्यारी लगती है, फ्यूचरिस्टिक सी साउंड है ये। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ कि ये जो स्पोर्ट्स मोड है ना अपना, ये सिर्फ अपना 15% तक चलेगा, 15% के बाद ये इको मोड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है। कुछ भी फ्लाई ओवर हो उस पर भी सस्पेंशन बना रहता है, ऐसा नहीं है कोई स्ट्रगल करती है, पता लगता है पावरफुल स्कूटर है भाई। मेन चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इसकी ब्रेकिंग है ना, देखो स्कूटर अगर वैसे चला रहे हो, देखो मैं अभी 80 चला रहा हूँ, एक हाथ से पकड़ा चला रहा हूँ, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है हैंडलिंग वगैरह में। लेकिन एक चीज़ जो है वो है इसकी ब्रेकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा भाई, ब्रेक मारते हुए सतर्क रहना पड़ेगा। फॉर्च्यूनर को टेक ओवर नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसका जवाब तो सिंपल था। चलो पढ़ लिया, चलाने में वैसे बहुत मजा आता है स्कूटर, इतना स्पोर्टीनेस किसी भी स्कूटर पर नजर नहीं आई मेरे को। चाहे मेरा बजाज चीज चलाओ, आईक्यू में तो फिर क्या ही होगी, अपना ओला में भी नहीं आता इतना। स्पोर्टीनेस की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप स्पीड परफॉर्मेंस में तो भाई ओला ही आ गया है, बट स्पोर्टीनेस इस स्कूटर में सबसे ज्यादा है। 23 यहाँ पे एस्टिमेटेड रेंज दिखा रहा है, 28% बैटरी। एक चीज मैं और बता दूँ, यहाँ पे पूरी जर्नी में रीजन यूज नहीं कर रहा हूँ, विदाउट रीजन ये रेंज टेस्ट हो रहा है। अब इसे रोकेंगे हम जब यहाँ पे 15 आ जाएगा। यार मतलब ये गाड़ी वाले भी सोच रहे होंगे ये कौन सा स्कूटर है जो इतनी तेज हमसे आगे निकल जा रहा है, और जब इन्हें पता लगेगा ये इलेक्ट्रिक है फिर और भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक इतना तेज जा रहा है। एक्चुअली में दो ही स्कूटर है अपने, ओला और एतर, यही दो है जो ऐसा कमाल करते हैं। इतने से छोटे से स्कूटर लगता है कोई कहेगा ही नहीं कि ये स्कूटर में इतनी पावर होगी, ठीक तो कमाल लौटेगा, पतला सा है तेज लगता है, धावक है। तो पिछली बार मैंने वो वाला रोड ले लिया था, वहाँ पे देखो ट्रैफिक है अभी भी, बट ये वाली रोड जो है वो खाली है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से आप खुला एरिया आ गया तो मैं थोड़ा साइड ले लेता हूँ देख के, क्योंकि साइड में चलना ठीक है। यहाँ से स्पीड ना बढ़ जाती है, स्पीड लिमिट यहाँ से 100 हो जाती है और अपनी 80 है, इस तरफ ले लेता हूँ मैं इसकी। तो राइड वाइज मुझे अभी तक कोई दिक्कत फील नहीं हुई है, सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, पूरा रोड खाली पड़ा है। टाइम हो गया 4:30, एस्टिमेटेड रेंज दिखा रहा है 18 किलोमीटर, बैटरी है 21%, अपनी अपनी हो चुकी है 49 किलोमीटर, 50 हो जाएगी थोड़ी देर में। वैसे मैंने 50 चला लिया है बट ऐसा लग नहीं रहा मैंने 50 चला लिया। तो यहाँ पे अब रेड मार्क आ गया है बैटरी के ऊपर की 20% बैटरी हो गई है,
से चार्ज कर लो भैया, 19 हो गई तो जल्दी जल्दी बैटरी और इसकी तो बहुत जल्दी जल्दी जानी भी चाहिए, टॉप स्पीड में चल रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रेंज कम आएगी, जितनी कंपनी बताती है उससे कम आएगी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ से कोई कट नहीं आने वाला। It was at this moment that he knew he fucked up. Okay, so 13 किलोमीटर एस्टिमेट रेंज दिखा रहा है और मैं फंस ना जाऊं, मुझे लग रहा है मेरा काम हो चुका है। 12 किलोमीटर तो मेरा घर है यहाँ से, आज तो फंस गया गुरु। नहीं 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 यार, आज तो फंस गया भाई, 12 किलोमीटर तो घर है मेरा यहाँ से। और आज हो गई गलती बहुत बड़ी, फंस गया रेंज टेस्ट में भाई आज तो। ओके, 13% बैटरी आ चुकी है और ये अभी भी भग रहा है, अभी भी स्पोर्ट्स मोड में है। यार मैंने तो सुना था 15% नीचे ही हुआ जाता है, आई डोंट नो कैसे भग रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं निकलूँ कहाँ से यहाँ से, पंगा हो गया यार आज फंस गया गुरु। वैसे रेंज उतनी आई नहीं है जितनी बोलते हैं यहाँ पे, अगर मैं 10 भी जोड़ दूँ 65 आ रही है, तो कंपनी बोलती है 75 आएगी, तो यहाँ पर कोई कम नजर आ रही है, लेकिन ये तो 100% है कि मैं आज फंस गया हूँ। दोस्तों अब मुझे ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब मैं फंस गया हूँ। भैया कोई कट है यहाँ से, कोई कट है बाहर निकलने का, वापिस ही जाना है। तो दोस्तों मैं फंस चुका हूँ भाई, अब तो सीधा सीधा स्टैट्स दिखा देता हूँ। 9 किलोमीटर एस्टिमेटेड रेंज दिखा रहा है और 10% बैटरी दिखा रहा है। अब मुझे पता लग गया यहाँ से ना निकल सकते नहीं है, हो गया काम अपना। या तो एक ही चारा है यहाँ पे, किसी भाई को बुला के इससे पार करवा लूँ तो ही बात बन सकती है। हो गया रेंज टेस्ट हमारा तो यार। तो दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा मेरा घर यहाँ से 19 किलोमीटर है, इसकी एस्टिमेटेड रेंज ही 9 किलोमीटर है। तो अब मैं फंस चुका हूँ भाई पूरा मिला के, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसे उठा के इधर रख दे, बट एक बार मैप पे देख लेता हूँ कि रास्ता कैसे है। आगे शायद कोई कट है, बट मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई कट है। नहीं है यार, नहीं 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 नहीं, नहीं कोई कट नहीं है भाई। सो गाइस फाइनली मुझे एक कट दिख गया है 2-3 किलोमीटर चलने के बाद। अब इन फैक्ट्री में जाके चार्ज करूँगा कि जरा सा कट है भाई, यहाँ से निकलते हैं। ओके सो मेन हाईवे से तो अंदर आ गया हूँ, यहाँ से कैसे वापस जाऊँ। आई थिंक वहाँ से कट तो नहीं लग रहा मुझे, रिवर्स ही लेना पड़ेगा, थोड़ा राउंड साइड जाना पड़ेगा। रेन टेस्ट में खलल है थोड़ी सी। ओके सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब आप इको मोड से ऊपर नहीं जा सकते हो, वो आई थिंक जब वो चल रहा था तो चल रहा था, जैसे मैंने इसे स्टॉप करा तो अब ये इको मोड में ही रहेगा। देखो यहाँ 60 हो गया, ऑलमोस्ट 60 बोल सकते हैं, 59 है, 5 ही दिखा रहा है। तो इको वाली मिला के 65 रेंज आई है मेरे पास, ठीक है, और कंपनी बोलती है 75, तो डिफरेंस तो है। बट मैंने एग्रेसिवली चलाया बहुत ज़्यादा, ये भी माइंड करना पड़ेगा कि बहुत कम बंदे होंगे जो इतने एग्रेसिवली चलाएंगे, मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चलाया है। तो यहाँ पे किसी भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, वो बंदा चार्ज करता है चार्जेस लेके। देखते हैं यहाँ पे कहाँ है मार्केट में बैटरी रिक्शा। ये मैं गाजियाबाद के अंदर आ चुका हूँ भाई, वेलकम टू गाजियाबाद। ये बैटरी चार्ज करने वाला अंकल नहीं। दोस्तों गलियों में घुस चुका हूँ, अगर मैं वापस ना लौटूँ तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख देना। ओके सो ये अपना चार्जिंग पॉइंट, या बैटरी से चार्ज होते हैं। फाइनली मुझे मिल गया है, तो शायद मैं बच गया हूँ। अब अपनी जो बैटरी है वो अब 2 किलोमीटर दिखा रहा है बस, 3% बैटरी। तो यहाँ फटाफट सब चार्जर लगा देते हैं यार, और इसमें ना स्लो चार्ज होता है, ये चीज़ मुझे पता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट जो भी है अब तो है, गिर जाता है। चल भाई लगा दिया। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल रिजल्ट अपने सामने आ चुका है कि भाई ये चला है स्पोर्ट्स मोड के अंदर 58.9 किलोमीटर से, मान लेते हैं 59 किलोमीटर,
बाकी ये दिखा रहा है 5 किलोमीटर और चल जाएगा, मतलब वो इको मोड में था, स्पोर्ट्स में 58.9 किलोमीटर चला है और 5 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए तो वो इको मोड के अंदर हो गए, क्योंकि बाद में जाके स्पोर्ट्स मोड में नहीं लगता है। तो रीडिंग कुछ इस प्रकार आई है भाई। तो स्टार्टिंग में हमारा जो ओडो था वो था 167 किलोमीटर और जो ट्रिप भी थी वो जीरो थी और रेंज दिखा रहा था 75 किलोमीटर। जो हमारा रिजल्ट आया वो ये है कि ओडो पहुंच चुका है भाई 227.9 किलोमीटर, ट्रिप भी हो चुकी थी 60.6 किलोमीटर और जो रेंज लेफ्ट दिखा रहा था वो था 2 किलोमीटर। जब मैंने इधर को चार्जिंग लगाया उसकी ट्रिप भी थी 60.6 किलोमीटर, उसके बाद वो रेंज दिखा रहा था, मैं एंड तो कर नहीं पाया क्योंकि यार बहुत आगे निकल गया था मैं तो आप मान सकते हो कि मेरे केस के अंदर 62 से 64 किलोमीटर की रेंज आई है इन स्पोर्ट्स मोड, जहां मैंने इसे खूब तरीके से भगाया। तो कंपनी का क्लेम था 75 किलोमीटर, मेरे केस में आया अराउंड 64 किलोमीटर। तो भाई बहुत मेहनत लगी इस रेंज टेस्ट में, लाइक करो। और हाँ, ये तो सिर्फ एक आया है, अभी तो बहुत सारे रेंज टेस्ट आने वाले हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे वो अपडेट होते रहेंगे।